और दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि इन्फिनिक्स के जो स्मार्टफोन होते हैं वो काफी ज्यादा अच्छे स्मार्टफोन होते हैं। एक कमी रहती है हमेशा इन्फिनिक्स के स्मार्टफोन में, वो है दोस्तों उनका प्रोसेसर। हमेशा वो हीलियो के P20 प्रोसेसर के साथ आते हैं, कभी कभार P30 प्रोसेसर के साथ आ जाते हैं, चाहे वो इन्फिनिक्स हॉट 7 हो चाहे इन्फिनिक्स हॉट 8 हो। काफी ज्यादा अच्छे स्मार्टफोन होते हैं लेकिन प्रोसेसर अच्छा नहीं होता है। इस बार दोस्तों इन्फिनिक्स ने उस पर काफी ज्यादा अच्छा वर्क भी किया है, तो उन्होंने नया स्मार्टफोन निकाला है, इसका नाम है दोस्तों इन्फिनिक्स नोट 7। इस स्मार्टफोन के लिए बताए बिना मैं रह नहीं पा रहा हूं, तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा इसका बैक पैनल। यहाँ पे आपको बैक में दोस्तों देख पा रहे हैं 4 कैमरे देखने को मिल जाते हैं, बीच में राउंड वाले जो दिखने में फ्लेक्सिबल लेवल की फीलिंग्स देता है। वही दोस्तों कलर की बात करें तो आपको यहाँ पे 3 कलर में देखने को मिलेगा, जहाँ पे ग्रीन देखने को मिल रहा है और नीचे आपको यहाँ पे इन्फिनिक्स की ब्रांडिंग भी देखने को मिल जाती है। और दोस्तों ओवरऑल आप कह सकते हैं कि बैक की डिजाइन काफी ज्यादा अच्छी है। वही दोस्तों बात करें यहाँ पे इसकी डिस्प्ले की, तो डिस्प्ले भी काफी ज्यादा अच्छी है। यहाँ पे आपको 6.9 इंच की HD+ आपको डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। याद रखें दोस्तों फुल HD नहीं है, HD+ है। फुल HD होती तो ज्यादा अच्छी होती। और ये डिस्प्ले दोस्तों मैं आपको बता दूं पंच होल डिस्प्ले के साथ आता है। यहाँ पे आपको लेफ्ट में टॉप पर मिनी वाला कैमरा भी देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल आप कह सकते हैं कि जो डिस्प्ले है और डिजाइन है इन्फिनिक्स से इन पर काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट किया है, क्योंकि जो बैक में यहाँ पे आपको 4 कैमरे देखने को मिल रहे हैं, यही कैमरे आपको OnePlus 7T में भी देखने को मिले थे जो कि काफी ज्यादा अच्छे लगते हैं। तो इन द सेंस ये कि ये प्रीमियम की या फ्लेक्सिबल लेवल के स्मार्टफोन की फीलिंग्स देता है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, मेरा नाम है शिवम चौहान और आप देख रहे हैं वास्तु टेक चैनल। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को हिट करें, ताकि हमारी सब वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे जैसे वीडियो को अपलोड करते हैं। और दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा ये आपको 2 वेरिएंट में देखने को मिलेगा, 4GB 64GB वहीं 6GB 128GB। और दोनों ही वेरिएंट के साथ आपको माइक्रो डेडिकेटेड SD कार्ड का स्लॉट भी देखने को मिल जाता है, मतलब आपको यहाँ पे ट्रिपल स्लॉट देखने को मिलेगा, जो कि इन्फिनिक्स के जितने भी स्मार्टफोन आते हैं वो ट्रिपल स्लॉट के साथ आते हैं, जिसकी मदद से आप अपनी मेमोरी की एक्सपेंड भी कर सकते हैं। और दोस्तों जैसा कि आपने स्टार्टिंग में देखा था कि यहाँ पे आपको बैक में 4 कैमरे का सेटअप देखने को मिल रहा था, उन्हीं पर नजर डालेंगे तो यहाँ पे आपको 48 मेगापिक्सल का रियर सेंसर देखने को मिल जाता है। ये सैमसंग का GM1 सेंसर दिया गया है। और दूसरा कैमरा आपको 2 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाएगा, जो कि अल्ट्रा वाइड सेंसर दिया गया। और वही दोस्तों तीसरा कैमरा आपको देखने को मिल जाएगा, वो टेलीफोटो लेंस देखने को मिल जाएगा। लास्ट कैमरा दोस्तों फिर से छुपा दिया गया है। इन्फिनिक्स के जितने भी स्मार्टफोन होते हैं उसमें दोस्तों एक कैमरे को हमेशा हाइड करके रखा जाता है, हो सकता है ये चौथा कैमरा है वो वीडियो के लिए दिया गया हो। तो दोस्तों आप कह सकते हैं ओवरऑल बैक के कैमरे काफी ज्यादा अच्छे लगते हैं, 48 मेगापिक्सल क्वाड कैमरा सेंसर के साथ आता है। फ्रंट कैमरे की बात करें तो यहाँ पे आपको 16 मेगापिक्सल की पंच होल के साथ सेल्फी देखने को मिल जाती है। तो ओवरऑल दोस्तों आप कह सकते हैं बैक और फ्रंट के कैमरे दोनों ही काफी ज्यादा अच्छे है। लेट्स टॉक अबाउट बैटरी। जी फ्रेंड्स, बैटरीज में आपको मैं बता दूं 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, जो कि 18W के फास्ट चार्जर के साथ आती है। बहुत जल्दी आपका फोन चार्ज भी हो जाएगा, 5000 mAh की बैटरी मतलब चलेगी भी काफी ज्यादा लंबी। अब दोस्तों लास्ट स्पेसिफिकेशन के ऊपर नजर डालेंगे, वो है दोस्तों इसका परफॉर्मेंस, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इन्फिनिक्स के जितने भी स्मार्टफोन है तो वो हमेशा हीलियो के P22 प्रोसेसर के साथ आते हैं। इस बार दोस्तों मैं आपको बता दूं मीडियाटेक का हीलियो वाला G70 प्रोसेसर आपको इसमें देखने को मिलेगा, विच इज अ वेरी गुड प्रोसेसर, जो कि स्पेशली स्टार्टिंग में गेमिंग लवर के लिए बनाया गया था। तो आप कह सकते हैं कि इस बार इन्फिनिक्स ने प्रोसेसर में भी काफी ज्यादा अच्छा काम किया है। तो ओवरऑल मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा ये कंप्लीटली एक अच्छा स्मार्टफोन है इन्फिनिक्स की तरफ से। ना दोस्तों फाइनली बात करें इसकी प्राइस की, तो यहाँ पे 4GB 64GB वाले वेरिएंट की कीमत होगी वो 9 से 10 हजार रुपए के आसपास होगी। वही दोस्तों 6GB 128GB वाले की कीमत होगी वो 11 से 12 हजार रुपए के आसपास होगी। हो सकता है आपको ये मई के महीने में देखने को मिल जाएगा, और मई के महीने में अगर ये आता है और इतने ही प्राइस में आता है तो डेफिनेटली दोस्तों ये मार्केट को किल करने वाला है, क्योंकि इतनी प्राइस में काफी ज्यादा अच्छी स्पेसिफिकेशन के साथ आ रहा है। वैसे दोस्तों कैसा लगा आपको ये स्मार्टफोन हमें कमेंट में बताएं, अगर आपको कोई इसमें से फीचर्स अच्छा लगा हो तो वो भी हमें कमेंट में बताएं। और हाँ दोस्तों अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके शेयर जरूर से कर देना दोस्तों के साथ इस वीडियो को। और हाँ अभी तक बने हुए यहां तक आ गए तो मोस्ट वेलकम, सब्सक्राइब करके जाना और बेल वाले आइकन को हिट कर देना, ताकि हमारी आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको 100% मिलती रहे। मैं आपको नया इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।